हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रासायन, जिस पे देखेंगे वैद्युत रासायनिक सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं और इसका पहला टाइप विद्युत अपघटनी सेल के बारे में। ठीक है, आप देख सकते हो वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में देखेंगे पूरा इसे यार चित्र सहित बहुत ही आसानी से हम लोग देखेंगे और इस पे कौन कौन सी रिएक्शन होती है विद्युत अपघटनी सेल पे वो भी समझेंगे। तो यार प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखना। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रासायन। ठीक है, क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो चैप्टर 2 वैद्युत रासायन। ठीक है, तो इस पे देखो हमारा है टॉपिक वैद्युत रासायनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं। तो देखो पढ़ो क्या होता है वैद्युत रासायनिक सेल। तो देखो देखते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल उस निकाय को कहते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी एक विलयन में या किसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े दो भिन्न विलयनों में रखे जाते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। ठीक है, वैद्युत रासायनिक सेल उस निकाय या सिस्टम को कहते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड या छड़ किसी एक विलयन में या किसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े दो भिन्न विलयनों में रखे जाते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। ठीक है, उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी एक विलयन में, देखो मान लो किसी एक विलयन में कोई इलेक्ट्रोड, ठीक है, कि वही दो इलेक्ट्रोड किसी एक विलयन में या किसी प्रकार आपका जुड़े दो भिन्न विलयनों में रखे जाते हैं, तो इस टाइप के सेल को हम लोग वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक है, जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी एक विलयन में या किसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े दो भिन्न विलयनों में रखे जाते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहलाते हैं। आप बात करें तो यह दो प्रकार के होते हैं, पहला नंबर वैद्युत अपघटनी सेल, दूसरा नंबर गैल्वनी सेल या वोल्टी सेल। ठीक है, तो ये इसके दो टाइप है, वैद्युत अपघटनी सेल, गैल्वनी सेल या वोल्टी सेल। तो अभी हम लोग जब वैद्युत अपघटनी सेल पढ़ेंगे तब आपको इन इलेक्ट्रोड के बारे में पूरा समझा देंगे। ठीक है, तो चलो इसका पहला टाइप देखते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो देखो इसकी थ्योरी पढ़ते हैं फिर चित्र से समझेंगे इसे। ठीक है, तो देखो वैद्युत अपघटनी सेल, नाम से पता चलता है इसका विद्युत अपघटन होगा। ठीक है, विद्युत द्वारा अपघटन का मतलब टूटेगा। जिस सेल में बाह्य स्रोत से वैद्युत ऊर्जा देने पर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। मतलब जिस सेल में बाह्य स्रोत से वैद्युत ऊर्जा दे तो उससे रासायनिक अभिक्रिया हो तो वो वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। ठीक है, मतलब इसमें वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है और वैद्युत अपघट्यों के विलयनों का विद्युत अपघटन विद्युत अपघटनी सेल में कराया जाता है। वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं इसे इंग्लिश में, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, देखो लवण, एक प्रकार के लवण होते हैं जो आयनों में टूट जाते हैं। कहाँ, विलयन में अगर इसे आप रखो तो आयनों में टूट जाते हैं। मान लो NaCl जैसे Na प्लस और Cl माइनस आयनों में टूट जाता है, इसी प्रकार ZnCl2 ये सारे क्या होते हैं, विलयन में आयनों में टूट जाते हैं, तो ये वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है, तो ये वैद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्यों के विलयनों का वैद्युत अपघटन मतलब इसका आयनों में तोड़ना वैद्युत अपघटनी सेल में कराया जाता है। ठीक है, वैद्युत अपघट्यों के विलयनों का विद्युत अपघटन जो है वैद्युत अपघटनी सेल में कराया जाता है। तो ये बात समझ रहे हो। ठीक है, अगला टॉपिक, अगला पॉइंट, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया और कैथोड पर अपचयन क्रिया होती है। अभी इसे पूरा आगे समझेंगे, अभी देखते रहो केवल। ठीक है, अब इसका उदाहरण है ZnCl2 जिंक क्लोराइड। उदाहरण इसका क्या है, ZnCl2 जिंक क्लोराइड हम लोग ले रहे हैं एक वैद्युत अपघट्य वैद्युत अपघटनी सेल के लिए। तो जिस सेल में बाह्य स्रोत से वैद्युत ऊर्जा देने पर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती वैद्युत अपघटनी सेल होता है। वैद्युत अपघट्यों के विलयनों का विद्युत अपघटन विद्युत अपघटनी सेल में कराया जाता है। किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया और कैथोड पर अपचयन क्रिया होती है। उदाहरण है ZnCl2 जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो चलो अब इसे आसानी से हम लोग चित्र से भी समझ लेते हैं जिससे हमें पूरा ये टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलो देखते हैं चित्र। ठीक है, तो इस पे हम लोग देखेंगे जो वैद्युत अपघटनी सेल का एग्जांपल हमने ZnCl2 का लिया है। देखो ये आपका वैद्युत अपघटनी सेल है, इस पे आपका जो दो इलेक्ट्रोड है, जैसा कि आपको बताया था एक विलयन में दो इलेक्ट्रोड हो। ठीक है, तो ये ZnCl2 के लिए हमने बनाया हुआ है। देखो ये आपका Zn की आपकी ये आपकी क्लोरीन का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, जो कि एनोड है और पॉजिटिव चार्ज पे, क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। और ये आपका कैथोड के रूप में जो कि जिंक है, ठीक है, जिंक की छड़ है या जिंक का इलेक्ट्रोड है जो कि बैटरी के निगेटिव से जुड़ा हुआ है, इसलिए निगेटिव है। ठीक है,
तो ये देख सकते हो बैटरी के निगेटिव से जुड़ा इसलिए निगेटिव चार्ज है इस पे, ये बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है। Cl2 की छड़ है ये आपका सिलेक्ट, Cl2 का इलेक्ट्रॉड और ये Zn जिंक का इलेक्ट्रॉड, ठीक है। तो देखो आपसे कहा गया इस पे अपचयन की अभिक्रिया होती है आपकी एनोड पे, ठीक है। तो देख सॉरी कैथोड पे आपकी अपचयन की क्रिया, और तो देख सकते हो Zn2+ दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जिंक बना रहा है, और एनोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है इसलिए 2Cl- Cl2+2 इलेक्ट्रॉन में टूट रहे हैं। जिस पे इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है वो ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो देख सकते हो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अपघट्य है, वैद्युत अपघट्य हमने एग्जांपल किसका लिया था Zn Cl2 का, तो इसलिए यहाँ पे Zn Cl2 का विलयन है जिसपे Zn की इलेक्ट्रॉड और Cl2 का इलेक्ट्रॉड आपका है, ठीक है। तो ये बात आप समझ सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट हमने वैद्युत अपघट्य लिया है जिसपे Zn का इलेक्ट्रॉड और Cu का इलेक्ट्रॉड है, ठीक है। आपका कैथोड पे अपचयन अभिक्रिया हो रही है, Zn 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से Zn बन रहा है, एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है 2Cl- Cl2+2 इलेक्ट्रॉन में टूट रहा है, ठीक है। देखो जैसा आपसे कहा था किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर आपकी कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण। देखो ये बना ना, एनोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है और कैथोड पर अपचयन की अभिक्रिया होती है। देखो एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया है, जो जिंक क्या आपका देख रहे हो दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ये अपचयन अभिक्रिया है। तो आपका देख सकते हो कैथोड पे अपचयन अभिक्रिया और एनोड पर आपका कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, और इस पे जो आपका Zn और प्लस Cl2 में टूटा है ये आपका वैद्युत अपघटन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक प्रकार का वैद्युत अपघटनी सेल है। इलेक्ट्रोलाइट किसका हमने लिया, Zn Cl2 का, जिसपे Cl2 का इलेक्ट्रॉड है और Zn का इलेक्ट्रॉड है। Cl2 का इलेक्ट्रॉड एनोड की तरह कार्य कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा है, और Zn का इलेक्ट्रॉड कैथोड का कार्य कर रहा है, ये आपका बैटरी के निगेटिव से जुड़ा है। इस पर रिएक्शन हुई आपकी अपचयन की और एनोड पर रिएक्शन हुई ऑक्सीकरण की, ठीक है। तो इस टाइप से आप पूरा इसे समझ सकते हो वैद्युत अपघटनी सेल को। ये इसका पहला टाइप है वैद्युत रासायनिक सेल का, ठीक है, जिस सेल में बायस रोध से वैद्युत ऊर्जा का परिवर्तन होता है रासायनिक ऊर्जा में। तो ये था वैद्युत रासायनिक सेल। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। देख सकते हो पहला टाइप इसका हो गया वैद्युत अपघटनी सेल। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।